एमपी कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। पार्टी पदाधिकारियों को ये भी जानकारी नहीं कि कौन हमारे दल का सदस्य है और कौन नहीं। यही वजह है कि बीजेपी नेता को कांग्रेस ने पदाधिकारी बना दिया। वही वो शख्स 8 महीने पहले ही बीजेपी छोड़ चुका था, लेकिन पार्टी की तरफ से जारी पदाधिकारियों की सूची में उसका नाम है। दरअसल हाल ही में संपन्न हुए प्रदेश यूथ कांग्रेस की कार्यकारी के चुनाव में पार्टी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यूथ कांग्रेस के महासचिव के पद पर एक ऐसे बीजेपी कार्यकर्ता को चुन लिया गया है जो कि 8 महीने पहले पूर्व ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता ने अपना इस्तीफा वरिष्ठ नेता कांग्रेस सहित संगठन के पदाधिकारियों को भी सौंपा था। इसके बावजूद इस चुनाव में उसे महासचिव पद चुन लिया गया। दरअसल जबलपुर निवासी हर्षित संगई बरसों ने कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे और वे सिंधिया समर्थक माने जाते थे। इसी बीच 8 महीने पूर्व ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उनके समर्थक हर्षित संगई ने भी ऐसा ही किया और विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ग्रहण कर लिए। वही हाल ही में यूथ कांग्रेस के चुनाव संपन्न हुए हैं। संपन्न होने के बाद हर्षित संगई को 12 वोट मिल गए और महासचिव के लिए चुन लिए गए, जबकि वे अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यरत हैं। हर्षित संगई ने बताया कि उन्होंने अन्य जिलों में संबंध में चर्चा की तो मालूम हुआ कि पूरे प्रदेश में ऐसे कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जिन्हें यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी में जगह मिल गई है। ऐसे में साफ जाहिर है कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में जमकर धांधली की गई और लापरवाही बरती गई है। वही अब इस मामले को लेकर हर्षित न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।